अपनी गाड़ी को खुद ही ठोक रहे हो। सो गुड इवनिंग एवरीवन, आज हो रही है 29th of July, टाइम हो रहा है 4:22। बहुत लेट हो गए हैं आज। सच बताऊं गाइस, लेट होने का सिर्फ एक रीजन है कि हमारा जो GoPro है उसका ऑडियो थोड़ा सा हमें परेशान कर रहा है। सो गाइस, जो लोग लास्ट व्लॉग से फॉलो कर रहे हैं उनको पता चल गया होगा कि गाड़ी तो सही हो गई है, बट एक दिक्कत और हो गई है। जब मैंने लास्ट बाइक निकाली थी उस दिन से बारिश स्टार्ट हुई थी, एंड वहां से आएगा सब 5 से 6 दिन होने वाले हैं, एंड यार अब जाके थोड़ा सा स्काई क्लियर हुआ है। टू बी ऑनेस्ट गाइस, बाइक निकालने का इतना ज्यादा मन था, बट जब हमने लास्ट बाइक निकाली थी उस टाइम उसका रेडिएटर फैन पता नहीं क्यों ऑन रह गया था। पूरी बाइक बंद कर दी, इवन लॉक कर दिया मैंने, उसके बाद भी रेडिएटर फैन बंद नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा चलो बैटरी निकाल देते हैं, एंड अभी आधे घंटे पहले ही मैंने बैटरी वापस जैसे इंसर्ट करी रेडिएटर फिर से चालू हो चुका है। मैकेनिक से बात करी है, देखो कब ठीक करते हैं वो, एंड प्रोबेबली संडे की राइड शायद ही कर पाऊं मैं, बट यार ये सारी चीजें तो होती रहेगी। आज का प्लान कुछ ऐसा है कि हमारे जो द्रोण भैया है वो दिल्ली से लेकर आ चुके हैं अपनी ब्रांड न्यू बेनेली TRK 502X। तो आज अपन चल रहे हैं उन्हीं की बाइक का कवर अप करने। वैसे तो कल मैं देख आया था, बट क्योंकि 5 से 6 दिनों से इतनी गंदी बारिश हो रही थी तो इन दिनों में मैंने ज्यादा कुछ कंटेंट शूट नहीं किया, ज्यादा कुछ तो क्या किया ही नहीं। लिटरली जोधपुर के अंदर में फ्लड वाली सिचुएशन आ चुकी थी, तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते थे। ऑल्सो छोटा सा व्लॉग मैं अभी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नया ऑडियो सेटअप है, थोड़ी टेस्टिंग भी हो जाएगी। सो गाइस, ये आ गए द्रोण भैया हमारे सामने विद दिस ब्रांड न्यू 2022 बेनेली TRK 502X। मतलब ये नाम अब आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा, यार देखो क्या ह्यूज लग रही है। मतलब ऐसे और बड़ी बाइक से कंपैरिजन करें तो छोटी है, बट ये खड़ी एक्टिव और ये खड़ी बाइक, दोनों को साइड बाय साइड ही कंपैरिजन कर लो कितनी बड़ी लग रही है। प्लस यार इस बाइक का साउंड, अभी रुकते हैं तब एक बार अच्छे से डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। मैं चलाऊं? लो भैया लाते, इन्होंने तो खुद नहीं दे दी कि भाई चलो। बेनेली है, बेनेली 502। हाय हाय, फर्स्ट इम्प्रेशन, मुझे नहीं पता कैमरा क्या जस्टिस कर रहा होगा, एंगल भी थोड़ा बहुत शायद आगे पीछे हो सकता है, बट यार चलाने का फील बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। और यार काफी ऊंचा ऊंचा सा फील हो रहा है, मतलब ये लगा लो कि ये जो टैंक है ऑलमोस्ट मेरी चेस्ट के बराबर आ रहा है। अब यार गराज गोल्स थोड़े बहुत क्लियर होने लग गए हैं, एडवेंचर बाइक तो अपन को भी चाहिए। यार मीटर भी काफी सही है, थोड़ा सा डेटेड लगेगा क्योंकि यहाँ पर आपको डिजिटल प्लस एनालॉग देखने को मिल गया है, बट यार जितना काम चाहिए ना वो ये करो। क्या हुआ, ब्रेक नहीं लगी क्या? ब्रेक ही नहीं काम कर रही है। अपनी गाड़ी को खुद ही ठोक रहे हो। ये सच में हाथी है यार। Few inches later. वो ड्रोन भैया जा रहे हैं हमें छोटा सा फ्लाई बाय रिकॉर्ड करने वाले। रॉन्ग साइड में आ रहे हैं। काफी प्यारी की आती है साथ में। सो गाइस, टाइम यहाँ पर हो चुका है 5:40। हमारे साथ में द्रोण भैया, हेलो कर दो। तो ये हमने बोरिया बिस्तर यहाँ पर फैला रखा है क्योंकि अभी अभी उस बाइक का बहुत ही क्रेजी वाला शूट हुआ है जिसके अंदर रिव्यू दिया है हमारे द्रोण भैया ने। तो द्रोण भैया एक बात बताओ यार, आपने ये गाड़ी क्या सोच के चूज करी है? एडवेंचर बाइक में कम बजट में बहुत अच्छी गाड़ी है। मतलब इसके अंदर में जैसा आपने मेरे चैनल पे बताया है कि मेंटेनेंस एवरेज ये सारी की सारी चीजें ये सॉल्व कर देती है, प्लस साउंड। साउंड यार एक बार इसमें भी सुना देते हैं। कोई स्पोर्ट्स बाइक तो है नहीं, थोड़ा सा प्यार से रखेंगे इसको। तो चलो फिलहाल निकलते हैं यहाँ से और देखते हैं आगे का क्या प्लान बनता है। तो थैंक यू सो मच ड्रोन भैया अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। ये देख लो गाइस, गाड़ी बंद पड़ी है फिर भी रेडिएटर चालू है। फिलहाल मैं ज्यादा बंद करने का रिस्क नहीं ले सकता हूँ।
वेलकम बैक टू चैनल एवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। यार व्लॉग चैनल पे पता तो चलता नहीं है कि कब व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, कब खत्म हो रहा है, बट इंट्रो जरूर रहना चाहिए। एंड एक प्लस पॉइंट भी है, जब भी इंट्रो बोलता हूँ थोड़ी सी एनर्जी बढ़ जाती है। तो गाइस आज का सीन कुछ ऐसा है कि बाइक में थोड़ी बहुत दिक्कतें फिर से आने लग गई है। मतलब पता नहीं यार मैं कितनी बार ये चीज बोल चुका हूँ, बट अभी यार सहा नहीं जा रहा है। तो अपन इसको थोड़ा सा रिजोल्व करने चल रहे एक दूसरे मैकेनिक के पास में, जिन्होंने दावा किया है कि वो ये चीज प्रोबेबली ठीक कर सकते हैं। तो लास्ट व्लॉग जब आपने CBR का देखा था, उस टाइम पे घर आने के बाद में जैसे ही मैंने चाबी वगैरह सारी चीजें बंद कर दी थी, तब इसका रेडिएटर ऑन रह गया था। 3-3.5 साल से मैं इस बाइक को ओन करता हूँ, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि चाबी बंद करने के बाद में भी रेडिएटर ऑन है। उस टाइम मैं समझ गया था कुछ ना कुछ दिक्कत है। हमने उसके बाद भी बहुत कोशिशें कर ली रेडिएटर को बंद करने की, बट वो नहीं हुआ। तो एनी हाउ मुझे बैटरी डिस्कनेक्ट करनी पड़ी। तो फिलहाल थोड़ी सी जल्दी में हूँ मैं, नींद से मैं उठा ही था और उनका फोन आ गया कि भैया आ जाओ, तो थोड़ा सा अपन फ्रेशन अप होके चल रहे हैं। और गाइस आज 31st of July संडे का दिन है, एंड संडे पे मैं क्यों सो रहा था उसका रीजन भी यही है, बाइक ब्रेक डाउन हो गई थी तो राइड हम नहीं कर पा रहे थे। बट मैंने एक शूट शेड्यूल किया था, सुबह में उठा भी था 5 बजे, बट बारिश आ रही थी। ये देख सकते हो आप बारिश के आफ्टर इफेक्ट, यार हर जगह कीचड़ है हर जगह। बाय द वे गाइस, जिन्होंने पहले वाले व्लॉग्स नहीं देखे उनको बता दूं कि ग्लव्स अपग्रेड हो चुके हैं। ये है रॉयल एनफील्ड की तरफ से बहुत ही अल्ट्रा कम्फर्ट वाले ग्लव्स, हल्की फुल्की सी पैडिंग इसमें दे रखी है, प्लस यहाँ ऊपर की साइड में आपको नकल प्रोटेक्शन भी दे रखी है। एंड देखा जाए तो डिसेंट ग्लव्स है यार, सिटी राइडिंग के लिए परफेक्ट है। मतलब यार धुली हुई गाड़ी को मैं जान पूछ के इस टाइप के रास्ते में से ला रहा हूँ, लेट नहीं हो रहा था तो कर लेते हैं एडजस्ट। लो जी खराब रास्ते से तो निकल के आ चुके हैं, अब काफी हो गई बात है, फटाफट गाड़ी खींचते हैं। टाइम की अगर बात करें तो 11:03, चलो यार भगाते हैं। तो चलो यार अब बंद करते हैं और सीधा वहीं मिलते हैं। A few moments later. तो गाइस मैकेनिक भैया को गाड़ी दे दी है, वो लेकर जा रहे हैं अपने साथ में। ये वाली जो भी प्रॉब्लम है ये बता रहे हैं कि ECM अपडेट करेंगे ना भैया, उसमें रिपेयर हो जाएगी। और शॉकर सील वाली चीज भी बता दी है, 2-4 एक्स्ट्रा चीजें भी बता दी है, क्योंकि एक बार जा रही है तो सारा काम एक साथ में ही हो जाना चाहिए। फिलहाल टाइम हो रहा है 11:20, तो मीटर बंद है और रेडिएटर अभी भी चालू है, आवाज आ रही है अंदर से। तो इस टाइम चेक 11:35, छोटी सी थड़ी दिख गई थी तो हमने ले लिए चाय। हेलमेट पड़ा है, बैग पड़ा है, मतलब यार आज इतना सारा सामान मैं लेके निकला था ये सोच के कि चलो बाइक हाथों हाथ रिपेयर हो जाएगी तो अपन काम पे चल जाएंगे, बट यार सीन ही कुछ ऐसा बना के नहीं जा पाए। फिलहाल ड्रोन भी आ रहे हैं मुझे लेने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर बीच चौराहे पर बैठ कर उनका वेट कर रहा हूँ। एक दो छोटे मोटे काम है हमको मॉडिफिकेशन से रिलेटेड, हो सकेगा तो वो भी आज करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैं अपनी चाय विद ट्रैफिक का व्यू एंजॉय करता हूँ। मैं पैदल पैदल जा रहा हूँ बिकॉज ड्रोन पे आ गए, आगे ही कहीं पे खड़े अभी मेरे सामने। यहाँ से निकले थे इस वाले सर्कल पे से, पर देखा नहीं था उन्होंने, चाय पी ली है। टाइम 11:45, पैदल पैदल चला रहे हैं यार गर्मी के अंदर में बताओ। तो इन्होंने नया नया हेलमेट लिया है, एक बार आए तो करो यहाँ पे, भगवान आपको माफ नहीं करेगा इतना जो चलवा कर आए हो ना आप मेरे को गाड़ी के ऊपर में। ये वाला हेलमेट यार मैंने सोचा था सूट नहीं करेगा जबकि कर रहा है। ये हम बेनेली TRK का पिलियन बन के मजे लेते हुए फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम चौपासनी की गलियों में घूम रहे हैं। 2 hours later. So guys, time check 11:40. हम थोड़ा मस्ती करके आ चुके हैं, तो चलो हमारी गाड़ी भी वहाँ पर सामने आ चुकी है, तो चलते हैं। ठीक है, मिलते हैं वापस। तो गाइज ऐसा कुछ सीन रहा है अभी तक का यार, ऑलमोस्ट 2 बजने को आ चुकी है यहीं पर ही। एंड सच बताऊं ना यार ये बिना मतलब का खर्चा था। फिलहाल घर निकलते, बहुत गंदी वाली भूख लग रही है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। एंड यार अभी TRK चला गया हूं ना तो अपनी गाड़ी थोड़ी सी अजीब लग रही है चलने में। ऑल्सो गाइज थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी आप लोग को दे देता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या है। भैया का कहना है कि यहाँ से जो पानी एंटर हुआ था वो गया था हमारे ECM के अंदर में, तो उसको थोड़ा बहुत क्लीन करके उसको अपडेट कर दिया है, तो अब किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो इस वाले हजार्ड का भी कुछ जुगाड़ निकालना है। उस दिन मोहसिन भैया और हमने दोनों ने करके देख लिया पर कुछ हुआ नहीं। प्यारी लग रही है यार रेड कलर में, और इसको देख के मुझे अपने रेड कलर की याद आ जाती है। इस रैप को यार ज्यादा टाइम नहीं रखेंगे, तो जब लगेगा हटाना है तब हटा देंगे।